वेलकम दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत करता हूं नर्सिंग अपडेट बाय सीएचओ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज देखते हैं अपन राजस्थान सीएचओ भर्ती 2023 के लिए स्पेशल सीएचओ एमसीक्यू सेशन क्लास नंबर 34। दोस्तों इसमें अपन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जिस जो ओल्ड सीएचओ पेपर के होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना आज का, बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। और आज का अपना जो टारगेट है दोस्तों वो है कितना दोस्तों, 30+ लाइक का। दोस्तों 30+ लाइक का टारगेट है दोस्तों अपना, 30+ लाइक का। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा ए H1N2 वैक्सीन वाज अप्रूव्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में ये वैक्सीन अप्रूव्ड हुई थी दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों 2015, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 2007, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 2006, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 2009। तो जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, उसके बाद अपन थोड़ा सा देखेंगे इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन के बारे में। जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2009 इसका राइट आंसर है दोस्तों। 2009 में इन्फ्लुएंजा ए एच वन एंड टू वैक्सीन अप्रूव्ड हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन वन। अब देखते हैं दोस्तों इसके बारे में अपन कि ये वैक्सीन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इमेज के अंदर ये कौन सी वैक्सीन है। तो ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है दोस्तों। और ये 10 ml होती है दोस्तों, 10 ml में आती है और ये ओनली इंजेक्टेबल होती है दोस्तों, ये इंजेक्टेबल होती है। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कब आई दोस्तों। तो ये लॉन्च हुई कब दोस्तों, 2009 में दोस्तों। और दोस्तों ये किसके लिए है, तो ये इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा वायरस जो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है दोस्तों, तो उसके लिए ये बनाई गई है, जिसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं दोस्तों। तो H1N2 और H1N3 ये तीनों आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तीनों इसमें हैं, शामिल किए जाते हैं दोस्तों। तो इन तीनों से क्या हो सकता है दोस्तों, क्या इन तीनों को क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये पिग के अंदर देखने को मिल सकती है, बर्ड्स के अंदर, H1N1 को तो बर्ड फ्लू भी बोला था, बर्ड फ्लू की पक्षियों में आया है। और इन्फ्लुएंजा H1N2 है वो पिग्स में ज़्यादा देखने को मिला है, पिग में दोस्तों। तो इसमें बर्ड्स में, पिग्स में और ये ह्यूमंस में भी अब फैल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा बता दूँ इसके बारे में कि इसके क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं। तो इस वैक्सीन से क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं दोस्तों, इसके साइन सिम्टम क्या क्या है। दोस्तों इसके साइन सिम्टम जो है वो है हेडेक होता है दोस्तों, हेडेक देखने को मिलेगा, हेडेक के साथ में सीवियर जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन और सीवियर मसल पेन, सीवियर मसल पेन भी देखने को मिलता है दोस्तों। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दे दोस्तों, जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, आप सबके लिए ही ये सेशन है दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये जो है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसके अंदर, ये जो वैक्सीन है, ये जो वायरस है दोस्तों, ये करंटली किस में है, H1N2 जो है दोस्तों करंटली जो है ये पिग्स में देखने को मिल रहा है, सुअर्स पे दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा ये जो H1N2 जो होता है ज़्यादा सीवियर नहीं है, नॉट सीवियर, ज़्यादा सीवियर नहीं होता दोस्तों, ये नॉट सीवियर। तो दोस्तों ये वैक्सीन किस किस को दे सकते हैं दोस्तों, तो ये वैक्सीन अपन ओल्ड एज में दे सकते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, सभी एज वालों को दे सकते हैं वैक्सीन, किसको छोड़कर दोस्तों, लेस देन 6 मंथ के
के जो बच्चे हैं, लेस देन 6 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें ये नहीं देते दोस्तों, उनमें ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो ये दोस्तों इसका क्वेश्चन। तो अब देखते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों अपना, कि एंटी रेबीज वैक्सीन मेड फ्रॉम। तो दोस्तों जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो किससे बनी है, एंटी रेबीज वैक्सीन किससे बनी है। पहला ऑप्शन है दोस्तों मिक्स्ड वायरस से, दूसरा है दोस्तों किल्ड वायरस से, तीसरा है दोस्तों लाइव वायरस से, चौथा है नन ऑफ दिस। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दोस्तों कि एंटी रेबीज वैक्सीन होती क्या है, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे दे, जिसको आता है वो भी राइट तो आंसर दे, जो जिसको नहीं आता वो भी आंसर दे, आंसर सबको देना है दोस्तों। जिसको आता है वो राइट आंसर देगा, बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो रॉन्ग देगा, तो यहाँ पर उसका रॉन्ग हो जाएगा, मेन एग्जाम में उसका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो चला जाएगा अपना एंटी रेबीज वैक्सीन का ऑप्शन बी किल्ड, दोस्तों ये किल्ड वायरस से बनी होती है, राइट आंसर है दोस्तों इसका बी। अब देख लेते हैं दोस्तों अपन इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा। ये दोस्तों एंटी रेबीज वैक्सीन, जिसको ARV के नाम से जानते हैं अपन, ARV एंटी रेबीज वैक्सीन दोस्तों। इसकी 0.1 ml डोज लगती है दोस्तों, 0.1 ml डोज लगती है, और कौन से रूट से लगती है दोस्तों, इंट्राडर्मल रूट से इसकी डोज देते हैं अपन, इसकी रूट इंट्राडर्मल से। और ये दोस्तों देख सकते हो आप इसके अंदर कि ये किससे बनी होती है दोस्तों, किल्ड वायरस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किल्ड वायरस, किल्ड वायरस एंटी रेबीज वैक्सीन है दोस्तों। और ये दोस्तों कब कब लगती है, दो इसकी डोज 0, 0, 3, 5, 7 और 28 डेज पे इसकी डोज लगाते हैं दोस्तों, 5 इसकी डोज लगती है दोस्तों, 5 डोज इसकी लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आज का जो टारगेट है दोस्तों अपना लाइक का बिल्कुल मत भूले दोस्तों, आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो जो टारगेट है दोस्तों आज लाइक का अपना जो टारगेट है, लाइक का जो टारगेट है दोस्तों वो अपना लाइक का टारगेट है दोस्तों 30 प्लस लाइक आज आने चाहिए दोस्तों, तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ दोस्तों और आगे भी लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अब अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि वैक्सीन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो दोस्तों मैं आप, पहला ऑप्शन है अपना टिटनस टॉक्सॉइड TT, दूसरा DT है दोस्तों, तीसरा है MMR और चौथा है दोस्तों हेपेटाइटिस बी। तो जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, फिर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कौन सी वैक्सीन है जो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और क्यों है दोस्तों, मैं आपको इसका राइट आंसर देता हूँ दोस्तों। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर दे दें, जिसको आता है वो भी दे, जिसको नहीं आता वो भी दे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी, मीजल्स मम्स रूबेला दोस्तों इसका राइट आंसर है, और ये लाइव वैक्सीन होती है दोस्तों, लाइव वायरल वैक्सीन होती है। अब देखते हैं दोस्तों इसका अपन रैशनल, आज मैं इमेज बेस्ड रैशनल लेके आया हूँ दोस्तों, आपके लिए इमेज भी क्लियर हो जाएगी। ये है दोस्तों इमेज बेस्ड रैशनल, जो आपकी इमेज भी क्लियर कर देगा साथ में। तो मीजल्स मम्स रूबेला जो दोस्तों ये कैसी वैक्सीन होती है, ये लाइव वायरल वैक्सीन होती है दोस्तों, लाइव वायरल वैक्सीन होती है, और लाइव वायरल वैक्सीन अपन प्रेगनेंसी में नहीं देते दोस्तों, प्रेगनेंसी में नहीं देते दोस्तों। क्यों नहीं देते दोस्तों, क्योंकि जो ये इसका जो वायरस होता है दोस्तों, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है दोस्तों, प्लेसेंटा क्रॉस करके ये क्या करेगा, बच्चे के अंदर रूबेला इन्फेक्शन कोज कर देगा, रूबेला इन्फेक्शन, जिसमें क्या क्या दोस्तों, कार्डियक प्रॉब्लम, डिफनेस प्रॉब्लम, बैंगापन कर देगा दोस्तों, और क्या कर सकता है दोस्तों ये, और क्या कर सकता है दोस्तों, और आंखों की प्रॉब्लम भी कर सकता है दोस्तों, ये आईज प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों लाइव वायरल वैक्सीन, जो जितनी भी लाइव और वायरल वैक्सीन है दोस्तों, वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है,
तो बिल्कुल इसका ध्यान रखना दोस्तों आप। मिजल्स है दोस्तों, जो मिजल्स वैक्सीन है ये 0.5 ml डोज होती है दोस्तों इसकी, 0.5 ml डोज देते हैं और IM सॉरी सबक्यूटेनियस रूट से इसको दिया जाता है दोस्तों, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, याद रखना दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज क्रिएट, जो रेडीमेड एंटीबॉडी किससे क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है दोस्तों, आप जाकर क्लास देख लें आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी या फिर पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। तो इस दो इम्यूनिटी मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है दोस्तों, तो रेडीमेड इम्यूनिटी जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है, पैसिव होती है और एक्वायर्ड होती है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। बाकी इम्यूनिटी आप पूरी की पूरी इम्यूनिटी मैंने आपको पढ़ा रखी है, आप क्लास आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जैसा अभी देखा ही है दोस्तों कि मिजल्स जो वैक्सीन है अभी अपन ने पढ़ाई है कि जो मिजल्स वैक्सीन है वो कैसी होती है, मिजल्स वैक्सीन जो तो लाइव वायरल वैक्सीन होती है, अभी अपन ने पढ़ के ही आए हैं पीछे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, इस पर आपका लाइव वायरल वैक्सीन होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बहुत अच्छा करने की सोचता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाई द टिक्स, टिक्स से कौन कौन से ट्रांसमिशन होता है, किस कौन कौन सी बीमारियों का ट्रांसमिशन होता है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है येलो फीवर, दूसरा है डेंगू, तीसरा है दोस्तों मलेरिया, चौथा है दोस्तों क्या सुनर फॉरेस्ट डिजीज़। तो दोस्तों मलेरिया के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल एनोफिलीज से, एनोफिलीज जो मॉस्किटो है उससे, डेंगू किससे, एडीज मॉस्किटो से, और येलो फीवर भी एडीज मॉस्किटो से होती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा एक बार अपन देख लेते हैं दोस्तों टिक्स के बारे में कि टिक्स जो है उससे क्या क्या हो सकता है। तो टिक्स जो है दोस्तों, ये टिक्स जो होता है क्या होता है, टिक्स जो है दोस्तों इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, वायरस का और पैरासाइट का, किस किस का दोस्तों, बैक्टीरिया वायरस और पैरासाइट सबका इन्फेक्शन होता है दोस्तों, बैक्टीरिया वायरस और पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा दोस्तों ये कौन कौन सी डिजीज़ कोज करता है टिक्स जो है दोस्तों, तो टिक्स जो है दोस्तों वो कैसनवर फॉरेस्ट डिजीज, इसके अलावा ये लाइम डिजीज कोज करता है दोस्तों, इसके अलावा ये रॉकी माउंटेन फीवर आपने सुना हो तो, रॉकी माउंटेन फीवर कोज करता है दोस्तों, ये तीनों बीमारी कोज करता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, आई होप आपको पसंद आया होगा, राइट आंसर इसका डी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों अपन, वीडियो को सब लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों और टारगेट पूरा ज़रूर करें, लाइक सभी को करना है, 30+ लाइक का टारगेट आज। DDT क्या होता है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो ये देख लो दोस्तों कि डी का मतलब होता है डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड फेनिल, डाई फेनिल, डाई क्लोरो डाई फेनिल और ट्राई क्लोरो ट्राई क्लोरो इथेन, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों कि डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो इथेन। तो ये क्या कोज करती है दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग कोज करती है दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8,
एट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों CHO के लिए, राजस्थान CHO 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया, पहला ऑप्शन है दोस्तों ट्रेकोमा, दूसरा ऑप्शन है कैटरेक्ट, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोमा, चौथा ऑप्शन है दोस्तों डेफिशिएंसी विटामिन ए। अगर दोस्तों इसमें एडल्ट दे चाइल्ड देता तो ऑप्शन अलग, राइट आंसर अलग होगा, और एडल्ट कुछ नहीं देगा तो एडल्ट मानेंगे तो राइट आंसर अलग होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दें, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कैटरेक्ट, नहीं दिया है तो एडल्ट मानेंगे, तो चाइल्ड अगर देता दोस्तों तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी बता देते, और एडल्ट है तो दोस्तों इसमें कैटरेक्ट इसका राइट आंसर जाएगा, कैटरेक्ट इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कैटरेक्ट होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि होता क्या क्या है, ट्रेकोमा क्या होता है दोस्तों। तो ट्रेकोमा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ट्रेकोमा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आई का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ आई, आई का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, पेन रेडनेस देखने को मिलती है, पेन इचिंग और रेडनेस, ठीक है दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक दे देंगे दोस्तों। कैटरेक्ट क्या होता है दोस्तों, कैटरेक्ट होता है क्लाउडिंग ऑफ लेंस, लेंस का क्लाउडिंग हो जाना, क्लाउडिंग ऑफ लेंस, लेंस का क्लाउडिंग हो जाना, और मोस्ट कॉमन कॉज होता है दोस्तों ब्लाइंडनेस का, मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ग्लूकोमा क्या होता है दोस्तों, तो ग्लूकोमा जो होता है दोस्तों वो होता है क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव होता है, ये ऑप्टिक नर्व डैमेज कर देता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है इसमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या है दोस्तों, मोस्ट कॉमन ये चिल्ड्रन के अंदर, मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन के अंदर क्या करता है, ब्लाइंडनेस कोज करता है, ब्लाइंडनेस कोज करता है। तो दोस्तों ये था इसका रैशनल, इसका राइट आंसर अपने देख लिया है, इसका राइट आंसर क्या अट्रैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन ESI एक्ट 1948 वाज अमेंडमेंट इन द ईयर, कौन से ईयर में आया दोस्तों 1948 एक्ट अमेंडमेंट कब हुआ था दोस्तों। तो ESI होता क्या है दोस्तों, ESI की फुल फॉर्म है दोस्तों एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर दे दोस्तों, फिर इसका मैं राइट आंसर आपको देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 2007 और ऑप्शन डी है 2010। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों अपना डी, 2010 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टेन क्या है दोस्तों कि कैलोरी इनटेक ऑफ वन ईयर चाइल्ड पर केजी, कि एक साल तक के चाइल्ड, जो एक साल का जो चाइल्ड है उसको पर केजी कितनी कैलोरी अपने को इनटेक करवानी है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 200 किलो कैलोरी, तीसरा है दोस्तों 300 किलो कैलोरी, चौथा ऑप्शन है 400 किलो कैलोरी, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों डी 100 किलो कैलोरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज है वो भी ज्वाइन करें दोस्तों, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है दोस्तों आपको, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, कि 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट से 100 देते हैं दोस्तों इन्फेंट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों 0 से 1 साल वाले को 100 देते हैं दोस्तों, तो 1 से 3 साल का जो बच्चा है दोस्तों उसको कितनी देंगे, तो उसको दोस्तों 80 किलो कैलोरी पर केजी उसको देंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3D आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो 3D क्या होता है दोस्तों, 3D
जल्दी इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे। पहला ऑप्शन है नियासिन, दूसरा है राइबोफ्लेविन दोस्तों, तीसरा है विटामिन के, चौथा है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। विटामिन के क्या काम करता है दोस्तों, प्रिवेंट ब्लीडिंग, क्लोटिंग फैक्टर भी है दोस्तों ये, प्रिवेंट ब्लीडिंग। राइबोफ्लेविन क्या होता है दोस्तों, राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2। तो ये दोस्तों क्रैक, जो लिप्स क्रैक हो जाते हैं उनमें की डेफिशिएंसी से लिप्स में क्रैकिंग हो जाती है दोस्तों। तो इसके अलावा तीसरा है दोस्तों नियासिन, नियासिन जो होता है वो विटामिन B3 होता है दोस्तों, और इसमें 3D करेक्टर देखने को अपने को मिलते हैं दोस्तों। तो 3D करेक्टर में क्या हो, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, राइट आंसर इसका ए है, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब 3D करेक्टर क्या होते हैं दोस्तों, 3D में क्या क्या आता है, डी फर्स्ट है उसका है डायरिया, इसके अंदर डायरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो डी है दोस्तों उसका मतलब है यहाँ पर डर्मेटाइटिस, स्किन की बीमारी होगी दोस्तों, इसको डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाएगा दोस्तों स्किन का। और तीसरा जो डी है दोस्तों डिमेंशिया, मतलब ब्रेन डैमेज भी होगा, डिमेंशिया भी देखने को मिलता है दोस्तों विटामिन नियासिन की कमी से। ठीक है दोस्तों, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 दोस्तों। ये मैं आपको करवा चुका हूँ बहुत बार, काला आजार ट्रांसमिट किससे होता है दोस्तों, तो काला आजार जो है दोस्तों वो सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, मैंने आपको बहुत बार करवा चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं दोस्तों, कि डिजीज कंडीशन इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो। तो एडीज से दोस्तों अभी पढ़ा था कि एडीज से क्या हो सकती है, येलो फीवर हो सकती है, डेंगू भी हो सकती है और चिकनगुनिया भी हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा डी। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, ये भी पहले अपना रिपीट हो गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। रेबीज फ्री जोन इन इंडिया, इंडिया में कहाँ पर रेबीज बिल्कुल भी नहीं है, रेबीज फ्री है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो रेबीज फ्री जोन है क्योंकि वहाँ पर एक भी डॉग नहीं है दोस्तों, तो रेबीज फ्री जोन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑक्यूपेशनल जो डिजीज है उससे दोस्तों, कि एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल बेगासोसिस के लिए कौन सा एजेंट रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कोल, तो कोल के लिए मैं बता दूं दोस्तों एंथ्रेक्स होता है, कोल के लिए एंथ्रेक्स होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सिलिका के लिए सिलिकोसिस होता है दोस्तों, और शुगर कैन डस्ट है दोस्तों उसके लिए ये होगा दोस्तों बेगासोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अपना शुगर कैन डस्ट, डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो, और अपना जो टारगेट है दोस्तों 30+ लाइक का वो ज़रूर आप पूरा करें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, आपका फ़र्ज बनता है लाइक करना, मेरा फ़र्ज है दोस्तों आपके लिए अच्छा कंटेंट लाना, जो मैं मेरा फ़र्ज निभा रहा हूं दोस्तों आप अपना फ़र्ज ज़रूर निभाएं। ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ओरल पिल्स द यूजर हेल्थ केयर वर्कर बेस अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि एक हेल्थ केयर वर्कर है उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ओरल पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं उस समय कि उससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो क्या क्या साइड इफेक्ट नहीं होता वो पूछा है दोस्तों। तो हेडेक हो सकता है दोस्तों साइड इफेक्ट, काफ टेंडरनेस भी देखने को मिल सकती है दोस्तों, स्वेलिंग ऑफ फिट्स भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, लेकिन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसमें कोई देखने को नहीं मिलता, ये अलग ही चीज़ है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी, डी इसका राइट आंसर है क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है दोस्तों अपने से कौन सा नहीं होता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, आपका फ़र्ज बनता है। वट रिएक्शन माइट अकर ड्यू टू टिटनेस वैक्सीन, टिटनेस वैक्सीन के लिए कौन सा जो रिएक्शन है वो देखने को मिलता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है हाइपोटोनिक, तीसरा है ब्रोंकियल न्यूराइटिस, चौथा है सी ऑप्शन है दोस्तों आर्थराइटिस, और डी ऑप्शन है प्रिमिटिव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राइट आंसर बी, ब्रोंकियल न्यूराइटिस देखने को मिलता है दोस्तों टिटनेस वैक्सीन के अंदर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18
18 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच विटामिन इज लॉस्ट ड्यूरिंग पॉलिशिंग ऑफ राइस। तो राइस में, राइस की पॉलिशिंग करते हैं तो कौन सा विटामिन लॉस हो जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन सी है सॉरी तीसरा है थायमिन और चौथा है विटामिन सी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। जब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थायमिन इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्योंकि राइस के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, तो राइस के अंदर विटामिन बी वन पाया जाता है दोस्तों। राइस में विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों, तो बेरी बेरी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों, रतौंधी आपने सुना ही होगा, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है दोस्तों। रिकेट्स बच्चों में देखने को होता है, वो कलर के उनके लैग हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर करें। सेंसस इज कंडक्टेड इन द इंडिया एवरी ईयर, कि इंडिया में प्रत्येक साल कितने साल के अंतर में अपन को जनसंख्या गणना करनी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सबको पता है दोस्तों कि 10 साल में करते हैं। पिछली जनगणना कब हुई थी दोस्तों, तो 2011 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 साल। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पहली जनसंख्या गणना इंडिया में कब की गई थी। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज डन इन, पहली जनसंख्या गणना कब की गई थी दोस्तों। तो जल्दी से राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि 30+ लाइक जरूर करें, जो भी वीडियो देख रहा है साथी लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करो। बहुत धमाकेदार सेशन चल रहा है दोस्तों, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आपने क्लास पूरी देखी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1881 इसका राइट आंसर है दोस्तों, 1881 में पहली जनगणना की गई थी दोस्तों। ये था सेशन दोस्तों, आज का धमाकेदार सेशन, आपको कैसा लगा? आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर अगर दोस्तों नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों शाम का एक धमाकेदार सेशन, जिसमें अपन थ्योरी की क्लास अटेंड करेंगे दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों क्लास लेने के लिए। मिलते हैं आज शाम को, शाम का सेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों।